चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ मैन इन्वेस्ट ₹8,800 इन बाइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इफ ही अर्न्स ₹1,200 एट द एंड ऑफ द ईयर एज डिविडेंड, देन फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज इन द कंपनी एंड द डिविडेंड परसेंट पर शेयर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया हुआ है कि उसने कितना पैसा लगाया, उसने 8,800 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। फेस वैल्यू ऑफ शेयर की दी हुई है वो है 100 रुपीज़। लेकिन मार्केट वैल्यू क्या होगी, उसको 10% के प्रीमियम पे है, मतलब 100 का 10% 10 रुपीज़ हुआ, तो मार्केट वैल्यू क्या हुई, 100 प्लस 10 110। ठीक है, तो हम लोग चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट इक्वल टू रुपीस 8,800 नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू रुपीस 100, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू 100 प्लस 10 इक्वल टू ₹110। अब यहाँ पे पहले सबसे पहले पार्ट में पूछा है द नंबर ऑफ शेयर ही है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स देखने कितने हैं उसके पास, तो सिंपल है, सिंपल फॉर्मूले में रख देंगे नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपॉन वैल्यू ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू वन शेयर कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 8,800 बाय 110 कैंसिल करेंगे तो उसके पास है 80 शेयर्स, उसने 80 शेयर्स खरीदे हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 80 शेयर्स। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है डिविडेंड परसेंट पर शेयर, सेकंड पार्ट है डिविडेंड परसेंट निकालना है कितना उसको डिविडेंड परसेंटेज डिविडेंड मिल रहा है, ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या है, अब यहाँ पे हम पहले फेस वैल्यू ऑफ 80 शेयर्स की निकालेंगे कितनी हुई, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 80 शेयर्स इक्वल टू 80 इंटू 100, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर थी 100, तो 80 शेयर्स की 80 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 8,000 रुपीज़। अब यहाँ पे हमें पता चल गया टोटल डिविडेंड निकालना है कितना है, टोटल डिविडेंड या एनुअल इनकम एक ही चीज़ है, दो डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं, तो 8,000 इंटू कितना दिया हुआ है, 8,000 गलत लिखती है ना, डेट ऑफ डिविडेंड होता पूरा लाइन कर दे, नहीं नहीं रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है और तो सही तो है, इतना परसेंट 8,000 सुखी सही है, सही रुके सही लिख रहे हैं, 8,000 टू रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है, तो रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड बाय 8,000 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो बोलना अभी तुम बोला ये सब मैं काटूंगा जितने भी तुम बोले, भवन वो तुमने पी तो पी पे फिर से पेन चलाना बोलना, सो इनटू पी इंटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड टोटल डिविडेंड हमें पता है कितना मिला है 12,000 1200, तो 1200 इज इक्वल टू
8000 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू 1200 अपॉन 8000 इंटू 100 कैंसिल हो गया। ये जीरो कैंसिल हो गया। इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 15%। तो रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे 15% है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। ए मैन इन्वेस्ट रुपीज़ 1680 इन बाइंग शेयर्स ऑफ ए नॉमिनल वैल्यू रुपीज़ 24 एंड सेलिंग एट 12% प्रीमियम। यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू दी हुई है, इसके हेल्प से हम लोग मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट दिया हुआ है